हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की सीरीज में हम देखने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। आपको पता है ये भी किसमें आता है? प्लांट किंगडम में आता है। ये कैसे होते हैं? नेकेड सीड होते हैं, एंड इनमें ओविडी एब्सेंट होती है। फिर आगे चले, इनमें जो ओवेल होता है ना, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं अपन ओवेरी बोल, वो भी नहीं होती। एंड ये जो है हेटरोस्पोरस होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हेटरो यानी अलग अलग, तो कैसे दो होते हैं, माइक्रो एंड मेगास्पोर। फिर बात करें स्टेम की, तो स्टेम भी अलग अलग होती है, ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। किसमें होती है? पाइनस और सिड्रस में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एंड साइटस में जो है अनब्रांच होती है। एंड बात करें कि इनमें आर्किगोनिया तो होते हैं, बट एंसीडियम एब्सेंट होता है। फिर आगे चले अपन, तो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम तो होते हैं, बट फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल होती हैं, वो एब्सेंट होती हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दी।